For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Welcome, मेरा नाम डॉक्टर तौकीर हुसैन है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियन हूँ और मैंने MCPS और FCPS किया हुआ है इस फील्ड के अंदर और मैं एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ मामजी हॉस्पिटल फेडरल बी एरिया के अंदर। एरिया अपने जो है वो नौमौलूद बच्चे हैं और उसके अलावा वो बच्चे जो बीमार हैं उनको कैसे जल्द से जल्द सही किया जाए, ये मेरा ये एक बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ चाइल्डहुड के अंदर यानी बहुत सारी एज ग्रुप आते हैं, उसके अंदर नौमौलूद आते हैं, फिर इन्फेंट आते हैं, फिर बड़े बच्चे आते हैं। तो हम उस एज वाइज उन चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं। जो नॉर्मली नौमौलूद बच्चे होते हैं, जो पैदाइश के फौरन बाद बच्चे पैदा होते हैं, उनमें कॉमन प्रॉब्लम फीडिंग का होता है, जॉन्डिस का होता है, नाक बंद होने का होता है और पेट में दर्द, उस तरह की चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है, जो कॉमन पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फील होते हैं उसमें सीने का इन्फेक्शन है, वैक्सीनेशन के अंदर है, डायरिया है, और फिर बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है एक साल के बाद कॉमन जो पेरेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम लाते हैं वो डाइट के प्रॉब्लम है, खाता नहीं है। उसके बाद फिर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है या बहुत सारे इसी तरह आगे बढ़ता जाता है, तो बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में आते हैं। देखें, सबसे पहले ये जो बच्चों में पीलिया होता है पैदाइश के फौरन बाद, ये दूसरी जॉन्डिस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किन बच्चों को 70-80% कह लें या 90, उनमें ये नॉर्मली होता है, लाइफ के थर्ड डे पे होता है और उसके बाद ये चौथे पांचवें दिन पे बढ़ता है और उसके बाद ये 8-10 दिन के अंदर ये नॉर्मल हो जाता है। 99% बच्चों में होता है, लेकिन इतना ये माइल्ड होता है कि इसको पता नहीं चलता। अगर उसके अलावा दूसरे फिजियोलॉजिकल जो दूसरे पैथोलॉजिकल कॉजेज हैं जिनके अंदर अंडरलाइंग बीमारी आती है, उसमें ब्लड ग्रुप प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं और बहुत सारी कॉजेज होती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी बच्चे में पैदाइश के पहले दिन पीलिया हो, पैदा हुआ है 24 आवर पीलिया हो, तो ये एबनॉर्मल होता है, उसके लिए देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चा का जो चेहरा है वो आपको पीला लगना शुरू हो और नेक से ज़्यादा यानी गर्दन से नीचे बच्चा पीला आपको लगे, तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और जो उसके टेस्ट हैं वो ज़रूर करवाएं। देखें, वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी हेल्दी माशरे के अंदर, इसका बड़ा रोल है। दुनिया के अंदर बहुत सारे कौमों ने, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल किया है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या EPI के थ्रू बहुत सारी वैक्सीनेशन हो रही हैं, इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और ये फ्रॉम द बर्थ से शुरू होती हैं और 15 मंथ तक, और हमारे पास इस वक्त टाइफाइड की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो जो कसम जिसको XGR इंटर टाइफाइड कहते हैं वो आ चुका है, उसकी भी वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल है, तो ये ज़रूर करवाएं अपने बच्चों को। देखें, वेरी सिंपल, जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में होते हैं वो 80% उसी से हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा वैक्सीनेशन के थ्रू बहुत सारी डिजीज़ जैसे टाइफाइड है, मीजल्स है, आपके गर्दन तोड़ बुखार है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए, हम आराम से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें आपने जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ बच्चों में डायरिया आता है, वो आराम से अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बच्चों को मदर फीड पे रखें, वो आप कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर आर्टरी, वो नॉर्मल हाइजीनिक कंडीशन से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और यूजुअली कोशिश करें कि अपने बच्चों को हैंड वॉशिंग की सबसे आदत डालें, और प्लस के उसके अंदर ये जो जंक फूड हैं, जो कलर्ड ड्रिंक्स हैं,
उनसे अवॉइड करें तो बेहतर है। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के करने के लिए आप marham.pk से आप आ सकते हैं।